हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक हैं, खुश हैं, मस्त हैं, खुशहाल हैं, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग कल क्या, लास्ट टाइम क्या कर रहे थे। कल तो बहुत पीछे छूट गया है ना। तो हमारा चैप्टर 4 चल रहा था हिस्ट्री में, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। और इसमें हमने पहला पेज कंप्लीट कर लिया, दूसरा पेज भी हमने कंप्लीट किया था। और हमने कॉजेस समझे थे कि क्या थे 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कॉजेस क्या थे, चाहे वो इकोनॉमिक कॉजेस थे, चाहे वो सोशल कॉजेस थे, चाहे वो पॉलिटिकल कॉजेस थे, या डिसकंटेंट था अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इमीडिएट कॉज और आउटबर्स्ट हमें समझना है आज। लेकिन इसके पहले इस चैप्टर क्या, जो भी इस चैप्टर में जानकारी है, जो भी नॉलेज है, जो भी कंटेंट, उसको मैंने थोड़ा सिंपलीफाई किया और मैंने अपने खुद के कुछ नोट्स बनाए हैं, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ठीक है, तो अगर आप लोगों की परमिशन हो तो क्या मैं आज अपने नोट्स से थोड़ा सा पढ़ा सकता हूँ आपको? आई होप कि परमिशन मिल जाएगी। 8B 8A जो भी हैं, जो भी सेक्शन है, जो सुन रहे हैं मुझे, तो चलिए आज मैं अपने नोट से पढ़ाता हूँ टॉपिक। अच्छा, 1857 का ये मेरे कुछ PDF के नोट्स हैं, नॉट PDF, SMS वर्ड की फाइल है, आई विल शेयर विद यू ऑल। और उसमें देखिए क्या हो रहा है। इसका जो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कि इन 1857 हिंदूज एंड मुस्लिम्स फाउट साइड बाय साइड टू टेक इंडिया बैक फ्रॉम ब्रिटिश। ये वो पहला ऐसा मौका था जब भारतीय हिंदू और भारतीय मुस्लिम मुसलमान दोनों एक साथ एकजुट होके लड़ रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। यानी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है। हिंदू और मुस्लिम एक हो गए और उन्होंने लड़ा किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट, कॉमन एनिमी। जब कॉमन एनिमी तो दोनों दोस्त हो गए। उसके पहले कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लेकिन यहाँ से एकता की मिसाल कायम हुई। उसके बाद भी झगड़े हुए, लेकिन अभी भी अच्छे हिंदू और अच्छे मुस्लिम चाहते हैं कि हम सब भाईचारे से रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो यूनिटी की एक फीलिंग है, उसका इंस्पिरेशन हमें मिलता है 1857 की हमारी कंबाइंड स्ट्रगल से, जो हम लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ा था। ठीक है, अभी पिक्चर बता रही है कि इसमें देखिए हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, तो घोड़े को लेके साथ साथ चल रहा है और सामने ब्रिटिश सोल्जर से लड़ाई हो रही है। ठीक है, डिफरेंट लीडर्स थे यहाँ पे एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट कहिए या इसको कहिए फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, यानी पहली आजादी का हमारा संग्राम, हमारी कोशिश। बैरकपुर में जो लीड कर रहे थे वो थे मंगल पांडे। दिल्ली में दो जगह लोग लीड कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली बड़ा है। एक जगह दिल्ली में बहादुर शाह सेकेंड और जनरल बख्त खान लीड कर रहे थे, जबकि दिल्ली के दूसरे पार्ट पे हाकिम हसान उल्ला जो तो चीफ एडवाइजर थे बहादुर शाह सेकेंड के, वो खुद लीड कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर अहमदुल्ला जो एडवाइजर थे एक्स नवाब अवध के। तो ये जो बेगम हजरत महल थी, ये बड़ी एक्टिव वुमेन थी, नेशनलिस्ट वुमेन थी, और ये नवाब साहब की वाइफ थी। तो नवाब साहब उस समय नहीं थे, उनके जो एडवाइजर थे, जो उनके भरोसेमंद लोग थे, उनके सहारे बेगम हजरत महल ने इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को लीड किया लखनऊ यानी अवध से। कानपुर में नाना साहब थे, राव साहब थे जो नेफ्यू थे नाना के, तात्या टोपे थे, अजमुल्ला खां जो एडवाइजर थे नाना साहब के, तो ये लोग कानपुर में लीड कर रहे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में यानी आज वहां पे उस समय जो जिला था जगदीशपुर, वहां कुंवर सिंह और अमर सिंह जी थे। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली लीड कर रहे थे। फैजा में मौलवी अहमदुल्ला ही डिक्लेयर्ड द रिवॉल्ट एज जिहाद अगेंस्ट इंग्लिश। उन्होंने फैजाबाद में, लखनऊ के पास है फैजाबाद, तो जो मौलवी अहमदुल्ला थे उन्होंने कहा ये जिहाद है ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट, तो
समय हिंदू लोग भी साथ दिए इस जिहाद में, क्योंकि तो हमारा एनमी कॉमन था और वो हमारे देश में रूल कर रहे थे। और यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम सालों से रह रहे हैं, हिंदू हजारों सालों से रह रहे हैं, तो मुस्लिम्स भी सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये धरती जो रहती है उनकी है, वो यहाँ रहने नहीं आए थे ब्रिटिश, वो यहाँ लूटने आए थे। तो हिंदू मुस्लिम जितनी भी बिरादरी है, जितनी भी कम्युनिटीज है, वो यहाँ रहती हैं, उनकी ये जन्मभूमि मातृभूमि है, उनकी जमीन है जहाँ वो रहते हैं, लेकिन वो रहने नहीं आए थे, वो यहाँ लूटने आए थे, वो हमको लूट रहे थे और पैसा ले जा रहे थे, कहाँ, लंदन यूके में। तो मौलवी जी ने बोला भाई जिहाद है, सारे मुस्लिम लड़ो ब्रिटिश के खिलाफ फैजाबाद साइड में। फर्रुखाबाद में तुजफल हसन खान लीड कर रहे थे। अब ध्यान दीजिए कितने मुस्लिम भाइयों के नाम है यहाँ पे जो लीड कर रहे थे। तो एक ये आज के समाज में जब हम देखते हैं कई बार कंफ्लिक्ट होते हैं आपस में, एक दूसरे के लिए हेट होता है, हम ये 1857 की जब बात करेंगे तो उनको बताएंगे कि कभी हम एक थे, एक साथ हम लड़े थे। तो इसको हम यूज कर सकते हैं लोगों में यूनिटी लाने के लिए। तो ये टॉपिक हमारे इतिहास को तो याद दिलाता ही, हमारे गौरवशाली इतिहास को, और ये भी याद दिलाता है कि हमारी जो मुस्लिम एकता थी वो कितनी बलशाली थी, और हमने कई जगहों पे मतलब एक तरह से कुछ रीजन रहे वरना लगभग हम जीत गए थे, ब्रिटिश का बहुत लॉस किया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, बिजनौर में मोहम्मद खान जी थे, मोरादाबाद में अब्दुल अली खान थे, बरेली में खान बहादुर खान थे, मंदसौर में फिरोज शाह थे, ग्वालियर कानपुर में तात्या टोपे दोनों जगह संभाल रहे थे, आसाम में कंडरेपरेश्वर, सॉरी क्या नाम हुआ इनका, कांडा परेश्वर, कांडा परेश्वर जी थे, और मनीरामा दत्ता थे, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही थे, कुल्लू में राजा प्रताप सिंह जी थे, राजस्थान में जयदाल सिंह और हरदयाल सिंह जी थे, और गोरखपुर में गजधार सिंह, गजधर सिंह, और मथुरा में सेवी सिंह और कदम सिंह जी थे। तो ये जो लड़ाई थी, जो गदर था, ये कोई छोटा मोटा गदर नहीं था, महीनों चला ये लड़ाइयाँ। मतलब इस समय कोई मोबाइल इंटरनेट तो था नहीं, बस सबको ये था कि हमको ब्रिटिश से लड़ना है। लेकिन ब्रिटिश लोगों के पास क्या थी, एक पूरी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका आपस में कम्युनिकेशन था, जब इस जमाने में उनके टेलीफोन होते थे, उल्टे सीधे जो भी थे, टेलीग्राफ जब भी करते थे वो लोग, तो उनकी प्लानिंग थी वो थोड़ा सेंट्रलाइज थी, और हमारी कोई प्लानिंग सेंट्रलाइज नहीं थी, सब अपने अपने इलाके में लड़ रहे थे। इसलिए धीरे धीरे महीनों ये लड़ाई चली और फिर धीरे धीरे ये पूरा सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश के थ्रू। बहुत से क्रांतिकारी मारे गए, मुस्लिम और हिंदू दोनों ही, जिस भी बिरादरी के थे, चाहे दलित थे चाहे आदिवासी थे, सब लड़े इसमें। अब वो ब्रिटिश ऑफिशियल कौन कौन थे जो इस रिवॉल्ट को कंट्रोल कर रहे थे, उनके साथ रिवॉल्ट था, हमारे हिसाब से ये फ्रीडम स्ट्रगल था। अब जनरल जॉन निकोलसन, इसने दिल्ली का संभाला, ही कैप्ट दिल्ली ऑन 20 सितंबर 1857, लेकिन खुद नीलसन मारा गया, डाइड सून ड्यू टू द मोर्टल वुंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइटिंग, फाइटिंग में उसको मोर लगा और वो मारा गया। तो जनरल जॉन निकोलसन, जिसने दिल्ली कैप्चर तो कर लिया लेकिन उसको अपनी जान देनी पड़ी। मेजर हटसन वो आदमी है जिसने बहादुर शाह के सारे लड़कों को मार दिया, उसके सारे पोतों यानी ग्रैंडसन को मार दिया और उनके सर काट के दिल्ली गेट पे लगा दिए, एक लेशन देने के लिए हिंदू और मुसलमानों को कि अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हारा ये हाल करेंगे। एक तरह से बहादुर शाह की पूरी फैमिली जो उसके हाथ लगी, उन सबको उसने खत्म कर दिया, उसके बच्चे, छोटे बच्चे, ग्रैंडसन, मतलब जैसे होता ना मानवता होती है, बच्चों को तो छोड़ दो, तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा मेजर हटसन ने, उन सबको मार के उनके सर काट के दिल्ली गेट पे और जो उसका किला था उस जगह जगह पे लगा दिया। सर ह्यूज व्हीलर, डिफेंस अगेंस्ट नाना साहेब फोर्सेस टिल 26 जून 1857, ये डिफेंस में खड़ा था, मतलब नाना साहब के फोर्सेस के, क्योंकि नाना साहब के पास एक बड़ी कुशल संगठित सेना थी, यानी 1857 की जो सबसे मेन जो कमान थी वो नाना साहब के साथ में थी, उनके हाथों में थी, तो उनको जो रोक रहा था वो था ह्यूज व्हीलर। ब्रिटिश फोर्सेस सरेंडर्ड ऑन 27 ऑन द प्रॉमिस ऑफ सेफ कंडक्ट टू इलाहाबाद, इनको सरेंडर करना पड़ा कि ये
इलाहाबाद को सेफ कंडक्ट करेंगे। जनरल नील रिकैप्चर्ड बनारस एंड इलाहाबाद इन जून 1857। जून आते आते इसने बनारस इलाहाबाद पे कब्जा कर लिया। एट कानपुर ही किल्ड इंडियंस एज रिवेंज अगेंस्ट द किलिंग ऑफ इंग्लिश बाई नाना साहब फोर्सेस। रास्ते में कानपुर में इसने बहुत निर्दोष लोगों को मारा, भारतीय लोगों को मारा जो आम जनमानस थे, और जो ब्रिटिश लोग मारे गए थे नाना साहब के फोर्सेस के लड़ाई में, उसका बदला लेने के लिए इसने जो भी इसके सामने इंडियंस पड़ते गए उन सबको मारता चला गया। और आखिरकार ये लखनऊ में आके मारा जाता है लड़ते हुए हमारे क्रांतिकारियों के साथ। ठीक है, रिबेल्स लिखा है लेकिन मैं इसको रिबेल्स और रिवोल्यूशन मानता हूँ, रिबेलियन नहीं मानता, मैं इसको रिवोल्यूशन मानता हूँ, ये क्रांति थी। सर कॉलिन कैंपल काहे का सर ओके ये तो हमारे लिए उस समय दुश्मनी थे। फाइनल रिकवरी ऑफ कानपुर ऑन 6 दिसंबर 1857, फाइनल रीऑक्यूपेशन ऑफ लखनऊ 21 मार्च 1858 एंड रिकैप्चर ऑफ बरेली ऑन 5 मई 1858। तो इस आदमी ने कानपुर को कैप्चर किया, लखनऊ को कैप्चर किया और बरेली को भी कैप्चर किया। तो फाइनल रीऑक्यूपेशन ऑफ लखनऊ, उसने एक तरह से बेगम हजरत महल जो बरेली में जो कानपुर में जो ट्रुप्स थे हमारे इंडियन साइड के ट्रुप्स उनको हराया, उनको शिकस्त दी। लेकिन उसके पहले इस क्रांतिकारी एक एक मर पहले ब्रिटिश लोगों को भी काफी जबरदस्त उनको लाश करके गए। और उसके आने वाले 1947 तक एक सदमे में रहे थे, साल तक उनके अंदर ये सदमा था कि इंडियंस अगर एक बार फिर से इकट्ठा हो गए इस बार हम नहीं बचेंगे। और इसीलिए जब गांधी जी के टाइम पे लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, सब अहिंसक थे, गांधीवादी थे, इनको लगा कि अगर किन्होंने कहीं हथियार उठा लिए तो हम एक दिन नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि 1857 में भूले नहीं थे, वो उनके दिमाग में भर गया था। 1857 की खतरनाक लड़ाई थी, अगर सोचिए 1857 सक्सेस हो रहा था तो हमारी आजादी 90 साल पहले मिल गई होती। शायद ये ठीक होते हैं कि हमने गांधी जी के आदर्शों से मिल गया हमें, वो भी ठीक है अहिंसा से मिला, लेकिन अहिंसा से पहले हमने एक हिंसा यानी वायलेंस आजादी छीनने की भी कोशिश की, वो हमने की 1857 में। लेकिन वो हिंसा का जो हमारा मार्ग था, जो हमें अपनी आजादी छीन के लेनी थी, उसमें हम हार गए, उसमें हम विफल रहे, इसे हमें एडमिट करना होगा, क्योंकि सारी फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। वरना आजादी हमें जो अहिंसा से मिली, जो कही जाती क्लेम की जाती है 1947 में, उससे 90 साल पहले 1857 में ही मिल गई होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी लॉरेंस ये चीफ कमिश्नर था अवध में, और ये मारा गया जब सीजर हुआ ब्रिटिश रेजिडेंसी का बाय द रेवोल्यूशनरीज एट लखनऊ ऑन 2 1857। मेजर जनरल हैवलॉक डिफीटेड द रिबेल्स नाना साहब फोर्सेस ऑन 17 जुलाई एंड डाइड एट लखनऊ इन समर 1857 बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज एंड ही वाज वुंडेड इन द बैटल। तो नाना साहब की फोर्सेस को फाइनली हराने का क्रेडिट इसको जाता है जनरल हैवलॉक। विलियम टेलर एंड आई, अच्छा ब्रिटिश लोगों ने भी पूरी ताकत लगा दी थी, मतलब जो कुछ उनके पास था बाहर बाहर से तक बुलाए थे उन्होंने, और सारी ताकत लगा दी थी पूरे देश में इस रिवॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा ये जो रिवॉल्ट था इसकी खास बात है कि रिवॉल्ट ज्यादातर नॉर्थ सेंट्रलाइज था, नॉर्थ में चल रहा था, जबकि हमारे साउथ में ज्यादा कुछ नहीं था और हमारे वेस्ट में ज्यादा कुछ नहीं था, यानी महाराष्ट्र और गुजरात में नहीं कुछ हो रहा था, नहीं साउथ में, ज्यादातर ये लड़ाइयां सब नॉर्थ एरिया में हो रही थी। तो देश भी एक तरह से तरीके से एकजुट नहीं था। ठीक, अब ह्यूज रोस सप्रेस द रिवॉल्ट एट झांसी एंड रिकैप्चर्ड ग्वालियर ऑन 20 जून 1858। द होल ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड बुंदेलखंड वाज गॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल बाय हिम। कर्नल ऑल्सन कैप्चर्ड बनारस, तो ये सब वो अधिकारी थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से हमारे क्रांतिकारियों से लड़ रहे थे, और ये वो लीडर्स के नाम है जो अलग अलग लोकेशंस पे क्रांतिकारियों के दलों को लड़ रहे थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये दो टेबल अगर समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपको लगभग 1857 समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इस टॉपिक में और क्या है। अब काजेस क्या थे, हमने फेलियर के काजेस क्या थे, शुरू होने के तो काजेस अपनी बुक में हमने डिस्कस किए, लेकिन ये हमारा जो हमारा संग्राम था ये विफल क्यों रहा।
तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखते हैं भाई, काजेज ऑफ फेलियर क्या होते हैं, तो वो क्या काजेज थे जिसकी वजह से हमको फेलियर, भारत को फेलियर उठाना पड़ा, देखना पड़ा। जैसे मैंने पहले कहा, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। उसके अलावा ये नॉर्थ में ही ज्यादा एक्टिव था, पूरे देश में प्रेजेंस नहीं था, जैसे साउथ में और वेस्टर्न इंडिया में। सम ऑफ द लोकल रूलर्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, निजाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर, नवाब ऑफ भोपाल, जूलर्स ऑफ पटियाला, जूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध एंड कश्मीर एंड द राणा ऑफ नेपाल, दे प्रोवाइडेड एक्टिव सपोर्ट टू द ब्रिटिश। इनको लड़ना चाहिए था इंडियन की साइड से, तो ये लड़े इंडियन के अगेंस्ट, तो इन्हें अपनी की साइड में जाके खड़े हो गए। और जो मिलिट्री इक्विपमेंट थे हमारे क्रांतिकारियों के पास, वो एम्युनिशन कम था, कंपेरेटिवली लैक ऑफ इफिशियंट लीडरशिप, लीडरशिप की कमी थी। इफिशियंट लीडरशिप तो थी, इफिशियंट नहीं थी इतनी ज्यादा जैसी ब्रिटिश फोर्सेस के पास थी। उनके मिलिट्री कमांडर थे, कहीं कोई मौलवी साहब थे, कहीं कोई पुजारी जी लीड कर रहे थे, तो सब आम जनमानस लीड कर रहा था। उनके पास एक वेल ट्रेन्ड फोर्स थी और एक कोऑर्डिनेशन था, एक एक करके हमको परास्त करते। अगर हम जी सब एक साथ लड़ते, कोऑर्डिनेशन होता, तो बहुत जल्दी जीत जाते, क्योंकि नंबर में हम ज्यादा थे। द मॉडर्न इंटेलिजेंट इंडियंस ऑल्सो डिडंट सपोर्ट द काज, जो और जो मॉडर्न इंटेलिजेंट इंडियन, उन्होंने भी सपोर्ट को उसको सपोर्ट नहीं किया। ये कुछ लोग थे जिनकी वजह से 1857 के सारे क्रांति शहीद होते गए। ये लोग बचे रहे, अपना राजघराना संभालते रहे, अपना राज भी रूल कर रहे हैं। इनको ब्रिटिश बहुत सारी प्रॉपर्टी और दी गई, और शहीद लोग हो गए, झांसी की रानी सिंधिया तक गई ग्वालियर तक हेल्प के लिए, लेकिन नहीं उनको हेल्प मिली, ऐसा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब आता है इम्पैक्ट क्या हुआ इस रिवॉल्ट का। द रिवॉल्ट वॉज मेनली फेडरल इन द करेक्टर, कैरिंग इट्स सम नेशनलिस्ट एलिमेंट्स। तो नेशनलिस्ट एलिमेंट्स आ गए उस दिन से लोगों के अंदर। द रूल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पास ऑन टू द ब्रिटिश क्राउन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। लेकिन उसके बाद क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले रूल करती थी, तो उसने कहा भाई अब हम रूल नहीं करेंगे। ऊपर से प्रेशर आया कि भाई इतनी फोर्स भेजनी पड़ी, इतना पैसा खर्च करना पड़ा, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे इसके ऊपर कंट्रोल करेगी, कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आएगी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगा दिया 1858। द आर्मी वॉज केयरफुली रीऑर्गेनाइज्ड टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ सच एन इवेंट। आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। इट वॉज मेर अ प्रोटेक्ट ऑफ सिपाही माने सोल्जर, बट वॉज एक्यूमुलेटेड ग्रेवेंस ऑफ द पीपल अगेंस्ट द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर डिसलाइक फॉर द फॉरेन टीम। ब्रिटिश लोगों ने लिखा कि भाई ये तो सिपाहियों का विद्रोह था, लेकिन ये केवल सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, लोगों का गुस्सा था, उनकी भावनाएं भी इसमें थी। आम जनमानस ने खूब इसमें पार्टिसिपेट किया, शहीद हुए, मारे गए, लेकिन उस सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ते रहे, क्योंकि उनको कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पॉलिसी नहीं पसंद थी, क्योंकि वो अनफेयर मीन्स करते थे, वो पार्शलिटी करते थे, और वो यहाँ रहने नहीं आए थे हिंदू और मुसलमानों की तरह। हिंदू हजारों सालों से रह रहे, मुसलमान बाद में आए धीरे धीरे, जब इस्लाम डेवलप हुआ कुछ लोग कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये दोनों बिरादरी या जो भी और छोटे छोटे समाज हैं, और जो लोग कम्युनिटी हैं, दलित भाई हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, ये सब सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं।
लेकिन ये रहने नहीं है, लूटने आए थे ना, तो लोग इनसे परेशान थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, सब परेशान थे ब्रिटिश लोगों से। तो एक से ब्रिटिश लोग सबके कॉमन एनिमी थे, तो हम लोगों में यूनिटी आई उस समय। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आर्म्ड अपराइजिंग एज वेल एज रिबेलियंस इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जैसे मैंने पहले बोला, ये नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में ज्यादा इफेक्टिव था, ज्यादा हो रहा था, बाकी वेस्टर्न में और साउथ में शांति थी। तो पूरे देश में अगर होता तो कुछ बात ही अलग होती। स्मॉल प्रिकर्सर्स ऑफ ब्रीविंग डिसकंटेंट इन्वॉल्विंग इंसिडेंट्स ऑफ एरोजन एंड कैंटोनमेंट एरिया बिगिन टू मैनिफेस्ट themselves in general. Later, a large scale rebellion broke out in May and turned into what may be called a full-fledged war in the affected region. The war brought about the end of the British East India Company rule in India, led to the direct rule by the British government, British Raj, of much of the Indian subcontinent for next 90 years. तो इसका क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, वो तो खत्म ही हो गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधे सीधे रूल आ गया 90 ईयर्स तक के लिए। तो सिपाहियों से शुरू हुआ, रोटी और कमल को पास किया जाता था। एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि जो कारतूस आए हैं वे गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, और उस जमाने के जो कारतूस होते थे उनको मुंह से छीलना पड़ता था उसके कांटे को। तो जो हिंदू थे वो भी नाराज हुए कि हमारा धर्म गाय का मांस खाएंगे नष्ट हो जाएगा, और जो मुसलमान भाई थे उनका कहता है कि इसमें सुअर का मांस है, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो एक वो भी फीलिंग थी धर्म के एंगल से, और एक भारत को इन विदेशियों से आजाद कराना, ये भी फीलिंग थी। तो कई सारे फैक्टर थे, देखते हैं कॉजेस क्या थे जो मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग है। द इशू ऑफ ग्रीज्ड कार्टेज एंड मिलिट्री ग्रीवेंस हैज बीन ओवर emphasized as a factor for the revolt of 1857. However, the recent research has proved that the Cortes was neither the only cause nor even the most important. In fact, the multiple causes, social, religious, political, economic, worked together to produce the rebellion. Not rebellion, revolution, क्रांति। लेकिन मुझे बुक से लेता हूँ तो सारी बुक्स में रिवेलियन लिखा है, तो आप भी एग्जाम में रिवेलियन लिखिए, लेकिन मन के किसी कोने में याद रखिए, रिवेलियन नहीं, ये रेवोल्यूशन क्रांति थी। ये विद्रोह तो था लेकिन अपने लोगों के अगेंस्ट नहीं, ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट। अब एक जो इस कॉटेज की बात होती है, भाई कॉटेज में सुअर और गाय का मांस लगा हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने यही लिखा, बस यही रीजन था यार, इसीलिए 1857 हो गया। बाद में जो रिसर्च हुई, लोगों ने इसको पढ़ा, जो रिसोर्सेस से थ्रू जो कलेक्ट किया, जो सोर्सेस के थ्रू ना जानकारी इकट्ठा की, जो बुक्स और जो बायोग्राफी के थ्रू, उससे ये समझ में आया कि ये तो कुछ इशू था ही नहीं, इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। उसमें और भी सारे मल्टीपल कॉजेस थे, जैसे सोशल हो गया, रिलीजियस हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन सब की मिलीजुली प्रतिक्रिया था हमारा प्रथम स्वाधीनता सामने। पहले देखते हैं सोशल क्या था। द ब्रिटिश हैड अबैंडन्ड इट्स पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशियो रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडियंस। पहले उनकी पॉलिसी थी कि भाई इंडियंस की जो सोशल लाइफ है, जो धार्मिक उनकी लाइफ है, उसमें वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा लाया, जो अच्छी बात थी 1839 में, कि सती प्रथा अब नहीं होगा। फिर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लाया, वो भी अच्छी बात थी। इससे ऑर्थोडॉक्स इंडियंस नाराज हो गए, जो कंजर्वेटिव या कट्टर हिंदू थे, आज हो गए। क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू इंटर इंडिया एंड कैरी ऑन विद देयर मिशन ऑफ प्रोसेलिटाइजिंग। क्रिश्चियन मिशनरी को बुला लिया कि भाई आप आओ इंडिया में और खूब प्रचार करो, लोगों को कन्वर्ट करो। इससे भी लोग बहुत नाराज हुए। द रिलीजियस डिसबैंड एक्ट्स ऑफ 1850 मॉडिफाई द ट्रेडिशनल हिंदू लॉ। अकॉर्डिंग टू इट द चेंज इन रिलीजन वुड नॉट डिबार अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज हीथन फादर।
कि एक नया एक्ट ले दिए कि भाई अगर कोई अपना रिलीज चेंज करेगा तो उसके ये नहीं है कि किसी का जो बेटा है वो उसकी संपत्ति का वारिस नहीं होगा, कि हिंदू जो एक्ट था, जो हमारे समाज में सिस्टम था, कि किसी ने धर्म बदल दिया तो उसके बच्चों को जो प्रॉपर्टी है उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा था। लेकिन धर्म बदलने के बाद भी अधिकार रहेगा ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया, क्योंकि क्रिश्चियन कोई बन गया तो ये थोड़ी उसके बच्चों को प्रॉपर्टी, उसके बच्चों प्रॉपर्टी मिलेगी, वो तो क्रिश्चियन रहे हिंदू रहे। इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे? ब्रिटिश रूल लेड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द विलेज सेल्फ सफिशियंसी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विच बर्डन द पेजेंट्री, अबोलिशन ऑफ फ्री ट्रेड इंपीरियलिज्म फ्रॉम 1800, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ, ऑल ऑफ विच लेड टू द ओवरऑल डिक्लाइन ऑफ। तो इन्होंने पूरी इकोनॉमी को तबाह कर दिया, इनका एक ही काम था लूटो लूटो खाओ पियो। कमर्शलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का, हम जो कह रहे हैं वही क्रॉप उगाओ, तो किसानों के ऊपर बोझ पड़ा, अनाजों की कमी हो गई, विलेज की तो सेल्फ सफिशिएंस को ब्रेक डाउन कर दिया, विलेज अपने ऊपर निर्भर थे, आत्मनिर्भर थे, तो विलेज के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, आपको यही उगाना है यही करना है। ऊपर से इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा नहीं दिया, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया, और सारा पैसा ले गए फॉरेन में यानी अपनी कंट्री में। फिर बात आती है मिलिट्री ग्रीवेंस की। द एक्सटेंशन ब्रिटिश डोमिनियन इंडिया हैड एडवर्सली अफेक्टेड द सिविल सर्विस कंडीशन ऑफ सिपाही, तो सिपाहियों में भी पार्शलिटी होती थी, इस वाले को थोड़ा ज्यादा पेमेंट मिलेगा, ब्लैक एंड वाले को कम मिलेगा। दे वर रिक्वायर्ड टू सर्विस सर्व इन एरिया अवे फ्रॉम देयर होम्स, उनको उनके घरों से बहुत दूर दूर भेजा जाता था विदाउट द पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा भत्ता, ना ही उनको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था, यानी भत्ता माने अलाउंस, और उनको दूर भेजा था कि जो ब्रिटिश होते थे उनको आस ही पास रखते थे और पैसा भी अच्छा मिलता था, सुविधाएं भी ज्यादा मिलती थी। एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ मिलिट्री डिसकंटेंट वॉज द जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट 56 विच मेड इट कंपल्सरी फॉर द सिपाही टू क्रॉस द सी। अब कई सारे भारतीय सिपाही, उनको ये था कि हम सी नहीं पार करेंगे, क्योंकि पानी को पार करने से उस जमाने में 57 में एक मतलब एक ब्लाइंड फेथ था कि संकट आ जाएगा, अब शकुन हो जाएगा, ठीक नहीं होता सात समुद्र पार करना, तो उसको कंपल्सरी कर दिया, नहीं अब जितने सिपाही हैं उनको कहीं भी भेजा सकता पूरी दुनिया में और उनको सी क्रॉस करना ही होगा, कंपल्सरी है। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत होगी, द पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 विड्रू द फ्री पोस्टल फैसिलिटी फॉर देम, और उसके पहले उनको घर में चिट्ठी लिखने के लिए फ्री पोस्टल सर्विस मिलती थी, उसको भी पोस्ट ऑफिस ने हटा दिया 1854 में। तो सिपाहियों के पास सुविधाएं बहुत कम थी, वर्कलोड बहुत ज्यादा था, प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो परेशान हो रहे थे, तो वो मिलिट्री ग्रेवेंस भी था। फिर पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे वो भी देख लेते हैं। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी। डलहौजी अनाउंस इन 1849 दैट द सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह वुड हैव टू लीव द रेड फोर्ट। द एनेक्सेशन ऑफ भागत एंड उदयपुर हावेर कैंसल्ड एंड देवर रिस्टोर टू देयर रूलिंग हाउसेज, बट डलहौजी वॉन्टेड टू अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टू द करौली राजपूताना, ही वॉज ओवर रूल्ड बाई द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक्चुअली डलहौजी ने एक पॉलिसी लाई थी, उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कोई राजा अपने बिना लड़के के मर जाता है तो उसका जो राज्य है वो कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जैसे झांसी सतारा और उदयपुर मगध और जो भी रियासतें थी, तो कोई अगर किसी के लड़कियां हैं या लड़के नहीं है तो प्रॉपर्टी वो हो गई, पूरा रियासत हो गई किसकी, ब्रिटिश की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इससे भी लोग बहुत नाराज हो रहे थे। जब डलहौजी ने करौली रतारा में इसको करने की कोशिश की तो ही वॉज ओवरलोड बाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे जो बहुत ही सिंपल है और पूरे चैप्टर समरी है, और थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ही है, कम नहीं है लेकिन सॉलिड है। तो ये पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया और ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आप पढ़िए समझिए, और जो चीज़ नहीं आया उसको पूछिए व्हाट्सएप पे इधर उधर, और इसको सर्च करिए क्या इसकी क्या मीनिंग होगी, ठीक है। तो मेन ये दो टेबल हैं और ये दो टेबल आप अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं नोटबुक में, ठीक है।
कौन कौन लीडर्स थे अलग अलग पार्ट, कौन कौन ब्रिटिश कमांडर थे जो रेवोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे थे।